तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा कि भाई स्कोर कितना जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं उसमें अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो क्या करें जो कि सेफ स्कोर तक जाए, और एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बीएसएससी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्यूरी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ में बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे चैनल है, आप वहाँ भी आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो वहाँ पर आप सेंड करके उसका आंसर पा सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि सबका क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो एग्जाम जो है आप अभी आप देख रहे हो कि मार्च के 10 या 12 मार्च से आचार संहिता लागू होने वाला है, जिसकी वजह से यानी कि वोट की वजह से जो इलेक्शन होने वाला है उस वजह से हमारा एग्जाम तो मार्च में तो नहीं होगा, क्योंकि 18 मार्च तक अपने को एडिट का ऑप्शन का डेट दिया है, तो मार्च में होने का कोई संभावना है ही नहीं। और अप्रैल में, जहां तक आप लोग और सब कोई जानता है कि अप्रैल में ही इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से सारा स्कूल कॉलेज को हायर किया जाता है, तो उस वजह से वहाँ अप्रैल में भी एग्जाम नहीं होगा। फिर उसका रिजल्ट आएगा तो मई में भी मेरे को लगता नहीं ही होगा। उसके बाद अब एक डेट जून में सोच सकते हैं कि जून में एग्जाम हो जाए, ठीक है, तो आप मान के चलो जून में। लेकिन तैयारी इस तरह से करना है कि किसी भी टाइम अगर एग्जाम हो तो अपना सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 25 लाख फॉर्म गिरा है और सिर्फ 12,000 लोगों को सिलेक्शन लेना है। पीटी में 5 गुना रिजल्ट देगा, यानी कि 60,000, या हो सकता है 6-7-8 गुना भी रिजल्ट दे दे, मतलब तो आप मान सकते हो कि 60 से 1 लाख के बीच रिजल्ट देगा, तो उसमें आपको सिलेक्शन चाहिए, तो तैयारी तो अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तो एक क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। दूसरा कि सेफ स्कोर क्या है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा है, बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट का भी रहा है कि सेफ स्कोर बताइए। जैसा कि हमारे टाइम में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम में भी उतना ही फॉर्म गिरा था, और उस टाइम में भी सब कुछ सेम कंडीशन था। तो आप जान सकते हो कि अगर आप अभी एक अच्छा स्कोरर हो, मतलब आपको लगता है कि एकदम किसी भी हाल में सब कुछ सही हो, तो आप अगर 110 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के हो, 110 क्वेश्चन आप अभी सही बना रहे हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा पीटी में। उसके बाद जो बीसी कैंडिडेट है या वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इसका लगभग सेम जाएगा, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का लगभग सेम रहेगा, या 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि 100 से 105 क्वेश्चन तक में बीसी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इसी के बीच में रहेगा, तो उसके बाद है BC1 BC2 ऐसे जाएगा, फिर ईबीसी है, उसके बाद फिर जो SC ST का है 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में ये सबका सिलेक्शन रहेगा, लेकिन मिनिमम जो है मेरे हिसाब से 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में रहेगा SC ST का, ठीक है। फिर PWD कुछ कैंडिडेट है वो भी बोल रहे हैं, तो उसको भी ये जान ले कि 85 क्वेश्चन तक आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है पीटी में। 85 क्वेश्चन आप सही करो और सिलेक्शन लेके जाओ। और दूसरा चीज़ ये है कि गर्ल्स कैंडिडेट का 90 क्वेश्चन मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का 90 क्वेश्चन, और लोएस्ट जो SC ST का जाने वाला 85 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन इतना तक में उन लोग को सबको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी बात जो भी कैटेगरी के हैं, जैसे EWS OBC BC BC1 BC2 SC ST जो भी है, उसको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमम कैटेगरी है, जो मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 110, तो आप बस इतना सोच के चलना कि 110 ही क्वेश्चन हमको भी सॉल्व करके आना है, मतलब सॉल्व नहीं सही करके आना है, ताकि मेंस का भी तैयारी आपको अच्छा हो जाए, ठीक है। अभी तो पीटी में मान लो आप कम मार्क्स से, थोड़ा सा मार्क्स से आप सिलेक्शन होगा, लेकिन मेंस में आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, लगभग 120 क्वेश्चन सही करना होगा, तब जाके आपको एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। वैसे तो सिलेक्शन आपको 110-115 क्वेश्चन से ही होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एक अच्छे पोस्ट के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को राजस्व कर्मचारी चाहिए, तो इसके लिए 120-122 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ये जनरल कैटेगरी के लिए आपको मेंस में सही करना है, तब जाके आपको मनचाहा पोस्ट मिलेगा। और देखो, कोई भी पोस्ट लेने से तो फायदा नहीं है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका जो मेन पोस्ट है, अभी तो BSSC इंटर लेवल का आपको पता ही है कि मेन पोस्ट राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है और फलेरिया इंस्पेक्टर है, ये तीन पोस्ट सबसे अच्छा है। उसके बाद एक पोस्ट जो कि DM ऑफिस में क्लर्क का है, वो भी अच्छा ही पोस्ट है, तो वो भी देख सकते हो, लेकिन पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी तो इन सबों में से बेस्ट है। और पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी दोनों में जो देखा जाए सब कुछ, तो मेरे हिसाब से राजस्व कर्मचारी भी अच्छा है, ठीक है। तो तैयारी ऐसे करना है कि जो इसका अच्छा पोस्ट है वो अपने को मिल जाए, ठीक है। अब स्कोर कैसे बढ़ाए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा 70 ही क्वेश्चन सही हो पा रहा है, 75 ही क्वेश्चन सही हो पा रहा है, या 80 क्वेश्चन ही सही हो पा रहा है, और आप बोल रहे हो कि 100 क्वेश्चन सही होगा या 110 क्वेश्चन सही होगा तभी सिलेक्शन होगा, तो कैसे उतने तक पहुँचे। तो देखो, मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले एनालिसिस करना सीखो कि मेरा गलती कहाँ पर हो रहा है। अब देखो, एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो टेस्ट दे रहा है और मात्र उसको 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वो भी थोड़ा रेस में है, लेकिन उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 80 क्वेश्चन जिसका सही हो रहा है, तो मेरे हिसाब से देखो सबसे इजी पोर्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग में अगर आपका 40 क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो आप सोचो कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर जिसका 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा और उस व्यक्ति को सिर्फ 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो बहुत मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो 40 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में सही हो रहा है और 25 मैथ्स में से 15 क्वेश्चन भी आपका सही हो रहा है, तो 40 15 55 होता है। उसके बाद 50 GK में 25 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तो आपको तो 80 मार्क्स सही ही हो जा रहा है, ठीक है। और 25 से साइंस में 10 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, तो 90 मार्क्स हो जा रहा है। तो आप बताओ कि आप जब तक मॉक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस नहीं करोगे कि किस चीज़ में मेरा गलती हो रहा है, तो कैसे आप स्कोर आगे करोगे। ये जो एग्जाम है बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का, इसमें टाइम का कुछ भी खेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का खेल है। कैसे? देखो, बहुत सारे एग्जाम में क्या, जैसे SSC सेंटर लेवल का जो एग्जाम देता है 100 क्वेश्चन का मात्र 1 घंटा देता है, 100 क्वेश्चन का मात्र 1 घंटा, या 150 क्वेश्चन का 2 घंटा दिया है, जिसमें से कि और बनाने लायक मात्र 75 क्वेश्चन है जो कि टाइम लेगा। और 75 क्वेश्चन GK में, 75 क्वेश्चन अगर GK सही से आप देखो तो 20 मिनट बहुत हो गया, और 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है, जिसमें 20 मिनट आपको
75 क्वेश्चन सही करने में, और अभी भी आपके पास कितना 100 मिनट बाकी है। तो 100 मिनट में मात्र 50 रीजनिंग, जबकि 50 रीजनिंग अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो बनाओगे तो 50 रीजनिंग बनाने में 30 मिनट बहुत हो गया, और अभी भी आपके पास कितना है 70 मिनट, 70 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ बनाना है, बताओ कितना टाइम है। तो इस एग्जाम में टाइम का कुछ भी खेल नहीं है, जो खेल है वो नॉलेज का। नॉलेज का खेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो आपके पास टाइम है, आप टाइम बचा लिए मॉक टेस्ट लगा के, आपके अंदर स्पीड बहुत आ गया, बहुत मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपके अंदर स्पीड बहुत आ गया, लेकिन आप क्वेश्चन ही नहीं जान रहे हो तो वहाँ बैठना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर सेफ स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सेक्शन से आने वाला है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाला है क्या चीज़ से, रीजनिंग और जीके से, बाकी मैथ और साइंस में 25-25 क्वेश्चन तो इसमें कम मार्क्स आना है, तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि इस पर जीके और रीजनिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग देखो, एक्चुअल में होता क्या है, लोगों को कम मार्क्स इसलिए आता है क्योंकि रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके सब चलता है, सबको लगता है कि यार रीजनिंग तो ऐसे ही हो जाएगा, और बहुत आप किसी बड़े लोग से बोलोगे तो कहेगा कि अरे यार रीजनिंग पे ध्यान मत दो, लेकिन मेरा जो कहना है जो हम अनुभव किए हैं उसके अनुसार रीजनिंग को तो आपको डेली बनाना ही बनाना है, चैप्टर वाइज बनाना है। किरण प्रकाशन का रीजनिंग का चैप्टर वाइज बुक आता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उसको लेके बनाओ, या फिर आपको जो भी बुक चैप्टर वाइज जो भी बुक मिलता है उसको बनाओ, रेगुलर बनाओ, अभी से लेकर जब तक एग्जाम नहीं होता है 1 घंटा रीजनिंग को जरूर दो, एकदम 1 घंटा जरूर दो, ताकि आपका स्कोर रीजनिंग में किसी भी हाल में 40 से 45 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चन रीजनिंग जैसे ही सही हो गया तो गर्ल्स कैंडिडेट हो, बॉयज़ हो, PWD हो, SSC कोई भी हो, आप सोच लो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप इतना जानो कि 40 से 45 क्वेश्चन आपका अगर रीजनिंग में सही हो जाता है, अब सोचो ना कि 110 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम इतना भी कटअप नहीं जाएगा, फिर भी हम बोल रहे हैं 110 क्वेश्चन, तो 40 ही क्वेश्चन सोचो आपका रीजनिंग में सही हुआ है, तो 110 में से 40 घटाओ 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपको फिर नेक्स्ट लेवल में सही करना है, ठीक है। उसके बाद अभी आपके पास कितना बचा हुआ है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को बचा है, ठीक है। इसलिए रीजनिंग में 40 क्वेश्चन से एवब आपको लाना ही लाना है, किसी भी हाल में चैप्टर वाइज बनाओ रीजनिंग, डेली बनाओ, और एक सेट जो है मिक्स क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का बनाओ, एक चैप्टर वाइज बनाओ, और एक सेट जिसमें कि 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन भी हो, उसको मिक्स बनाओ, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। SSC सेंट्रल लेवल और रेलवे का दोनों का लेके बनाना, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, ठीक है। दूसरा जीके साइंस, जीके में जीके हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, देखो 2-3 बुक है। सबसे पहले अगर आपको लूसेंट पहले से आप पढ़ रहे हो तो लूसेंट का चैप्टर वाइज जरूर पढ़ो, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ने के साथ साथ सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ो मत, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाओ, लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, या तो वो बनाओ, या प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन निकाला है SSC सेंट्रल लेवल का, इसमें SSC सीजल CHSL MTS का रहता है, या फिर बिहार ऑल एग्जाम करके भी निकाला है, या घटना चक्र आपके पास है वो भी देख सकते हो, ठीक है, या रेलवे का भी देख सकते हो चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज जैसे ही देखोगे, और एक लूसेंट का एक चैप्टर पढ़े, जो भी पढ़े जितना पेज पढ़े उस उतना का आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो, तो उससे क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब आप जो पढ़े हो उससे क्वेश्चन क्या बन सकता है ये पता चलेगा। लेकिन आप सिर्फ जब पढ़े हुए रहोगे, मतलब आप सिर्फ पढ़ोगे लूसेंट सब्जेक्टिव छोटा वाला और उसको बंद कर दोगे तो 2 दिन याद रहेगा, तीसरा दिन आप भूल जाओगे कि आप क्या याद किए थे, जैसे जैसे पीछे से याद मतलब आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाला भूलते जाओगे, और अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते जाओगे साथ में तो आपको बहुत फायदा होगा। हो सकता है उस समय या कहीं भी आपसे गलती हो जाए, लेकिन जब आप 4 ऑप्शन वाला कोई देखेगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए जब भी लूसेंट पढ़ना, और देखो पढ़ाई सिर्फ एक एग्जाम के लिए मत करो, क्योंकि ये एग्जाम आ रहा है उसी के बेसिस में हड़बड़ा के पढ़ रहे हैं, जल्दी 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 पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचो। देखो ये एग्जाम में अगर नहीं भी होता है तो आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए कि रेलवे का जो एग्जाम आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और कोई भी नौकरी हो बहुत अच्छा होता है, आप एक बार नौकरी करके देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तैयारी जैसे बहुत सारे लोग, एक भाई बोल रहे थे कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बस उसका एक ही रीजन है कि हम लोग जैसे एक लूसेंट पकड़ लिए तो बार बार उसी लूसेंट को पढ़ते ही जा रहे पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लूसेंट पढ़ने का सही तरीका यही है कि जो चैप्टर पढ़ो सेम चैप्टर का आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक। कौन सा बुक होना चाहिए, लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है, प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन का भी आता है, तो वो सब लेके आप बना के देखो, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद साइंस का भी ऐसा कर सकते हो, साइंस के लिए स्पीडी पढ़ सकते हो, साइंस के लिए दी प्लेटफॉर्म का बुक आता है, अलग अलग का बुक निकाला है, 1000-1700-1600 क्वेश्चन का, उसको देख सकते हो, तो साइंस यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद बिहार ऑल एग्जाम करके किरण प्रकाशन एक बुक निकाली है, उसको तो आपके पास लेना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बिहार BPSC जो भी टीचर का एग्जाम कंडक्ट कराया उसका क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन रहता है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो भी बिहार एग्जाम कंडक्ट कराया सबका रहता है, तो उससे आपको एक परफॉर्मा पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो बुक जरूर लेना। तो जीके का पोर्शन हो गया, साइंस का पोर्शन हो गया। अब मैथ्स, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया मैथ्स मेरा बहुत कमजोर है, मैथ्स में नंबर आ ही नहीं रहा, तो क्या करें। देखो मेरे हिसाब से आप अभी चैप्टर वाइज RS अग्रवाल का बुक या प्रीवियस ईयर कोई भी बुक जिसमें कि हर चैप्टर का क्वेश्चन हो, 150 क्वेश्चन हो, उसको बनाना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, मीडियम क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश मत करना। अगर हार्ड क्वेश्चन आता है आपसे नहीं बनता है तो उसको छोड़ दो, मीडियम क्वेश्चन ही रहता है, अपने भाई पे विश्वास रखो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, वो भी टफ रहता है कि कौन से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, 3 साल या 4 साल का ब्याज निकालने के लिए बोल देगा, तो उससे रहता है, बाकी बात सारा क्वेश्चन नॉर्मली रहता है, मतलब मीडियम क्वेश्चन रहता है, ठीक, और कंसेप्ट वाइज रहता है। तो मैथ के लिए क्या करना है आपको, देखो जब भी पढ़ो तो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं, एकदम आगे तक के लिए पढ़ो, तो आपको चैप्टर वाइज बनाना है। अगर आप कहीं ट्यूशन नहीं लिए हो तो थोड़ा तो मुश्किल है ही आपका तैयारी करना, लेकिन अगर आप ट्यूशन ले रखे हो या आप ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी 4 महीना में बहुत कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दो, जो भी चैप्टर मास्टर आपका पढ़ाता है बस उसी चैप्टर को हमेशा ध्यान करना,
ठीक है, या फिर अपने से बना रहे, मान लो ट्यूशन ले लिए हो और अपने से बना रहे, तो कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला है, उसका कंसेप्ट क्या, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट अगर आप जान गए तो उसके हिसाब से ही बनाओ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो उसमें एक चीज ध्यान रखना मैथ का, हम आपको मैथ कैसे बनाया जाता है वो भी दिखाएंगे। अभी हमको यहाँ पे बोर्ड वोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड करने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से नहीं बता पा रहे, नहीं तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर बता देते, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्रय मूल विक्रय मूल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दो। अगर कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है उस पेज पे लिख लो। मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है जिसमें कि, रुको एक बुक निकाल के आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते ही देते हैं। देखो बिगनर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पे 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल। तो देखो इस, मान लो ये आपके हिसाब से जो बिगनर है अभी अभी भी बना रहा है, उसको हार्ड क्वेश्चन लग रहा है कि कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको देखो बताते हैं सबसे पहले क्या करना है। अगर कोई भी हार्ड क्वेश्चन है तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि 1470 रुपया में बेचता है, तो दिया क्या हुआ है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1470, फिर लाभ दिया हुआ है 25%, तो हमको एक कॉपी में लिख लेना है कि विक्रय मूल्य बराबर 1470, लाभ बराबर 25%, निकालना क्या है हमको क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उस पर ध्यान करेंगे। जैसे इस तरह से आप ध्यान करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्सेप्ट जग जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। तो अगर कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगता है तो आप यही करना कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लेना एक पेज पे, क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो लिख लेना, फिर ये ध्यान करने की कोशिश करना है कि इस चीज़ को निकालने में कोई फॉर्मूला लगता है क्या, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, हमेशा याद रखना बस इतना ही चीज करना है आपको, ठीक। या फिर हम कोशिश करेंगे, अभी एक महीने के लिए घर पे छुट्टी लिए हुए हैं तो आपको हम अगर व्हाइट बोर्ड वहाँ मिल जाता है तो खरीद के आपको कोशिश करेंगे एक महीने तक जितना हो सके बताने का बताएंगे, ठीक है। और फिर मेरे हिसाब से अगर आप हम बता दिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स पढ़ना, ठीक है, क्योंकि एक जो स्टूडेंट के रूप में हमको जो दिक्कत हुआ है और खुद से जो किए हैं तो उससे पता चलता है कि आदमी को कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैथ्स ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स के लिए नॉर्मल सभी बुक ले सकते हो, आर एस अग्रवाल का बुक आता है वो बुक लो, मैथ्स का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, आर एस अग्रवाल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बुक आता है, उसको लो, उस पर उसको अच्छे से बनाओ, कॉन्सेप्ट वाइज बनाओ, जो चैप्टर बनाना है उसका थ्योरी बहुत जान जरूरी है, चाहे रीजनिंग हो या कोई भी चीज़ का हो, रीजनिंग भी जो चैप्टर बनाओगे उसका थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप किसी भी चीज़ में मास्टर बनोगे, ठीक है। और बाकी बात किसी भी चीज़ से दूर रहना, ठीक है, जो कि आपको बोलेगा कट ऑफ बहुत जाएगा या तुमको बहुत कम मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में, ठीक है, ये सब चीज़ से हमेशा दूर रहना। जो भी रेगुलर तैयारी अभी से 3 महीना करते रहेगा, मेरा विश्वास है उसको सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 75-80 नंबर ला रहे हो अभी मॉक टेस्ट में तो आप ट्रैक पे हो, आप बस रीजनिंग वीजनिंग जैसे हम बताएं अभी इस वीडियो में वैसे करते जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात किसी भी चीज़ से मत डरना, किसी फालतू लोगों से सलाह मत लेना, किसी से सलाह लोगे तो बार बार डराएगा ही, ठीक है। और या जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो यही बोलेगा कि अरे यार मेरा नहीं हुआ, इतने दिन से तैयारी कर रहे तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तो ये सब चीज़ से बहुत बच के रहना, ठीक है। बाकी बात हमें यहीं कुछ दिक्कत होता है तो मेरे को कमेंट करो, टेलीग्राम से जुड़ो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।